नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राम मंदिर में 100 करोड़ सनातनियों की आस्था है, उसी आस्था से खिलवाड़ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी एक तरफ कांग्रेस के नेता न्योते तक को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने ही बता दिया ये तो मोदी के राम है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान क्या भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा न बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी, उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है ना वह प्रभावित होगा, ना अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और ना हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान हैं, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है कांग्रेस के समय से है। राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है, और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता, जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता, जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और वो जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है
जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है, और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मंदिर सभी के लिए है, जो भी यहां आना चाहे वो आ सकते हैं। हमारी सरकार सभी को अच्छे से दर्शन कराएगी। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारी में जुटे हैं। अयोध्या प्रभु रामलला की धरती है, मंदिर सबके लिए है, और जो भी व्यक्ति आना चाहता अपनी सुविधानुसार आए दर्शन के लिए। हम सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह से अच्छे से दर्शन कराएगी सभी को। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की स्वागत के हम सब लोग जुटे हुए हैं, और अद्भुत न्यारी अयोध्या का जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसको हम सब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों मोदी से मुकाबले के लिए अखाड़े में सियासी दांव पेच सीख रहे हैं और एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। और इस दौरान राहुल गांधी न सिर्फ यात्रा करेंगे बल्कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तीन राज्यों में नरेंद्र मोदी से पटखनी खाने के बाद राहुल गांधी अब सियासी दांव पेच सीख रहे हैं। पहलवानों से धोबी पछाड़ का गुर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने दम दिखाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा से जब राहुल गांधी मोदी के खिलाफ सियासी माहौल नहीं बना सके, तो अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और 24 के दंगल में नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यात्रा शुरू होगी। से शुरू होकर यात्रा मुंबई में खत्म होगी। यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी 6,200 किलोमीटर यात्रा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है फिलहाल ये साफ नहीं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर फिर से हमलावर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां फिर से कांग्रेस की हार तय है। राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे, जहाँ जहाँ उनके पांव पड़े वहाँ वहाँ कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा के पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो जहाँ वो जाते हैं छोड़ो वहाँ कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर देते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3,570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। लेकिन इस यात्रा से कुछ खास सियासी लाभ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की यात्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने न्यूज 18 से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। मलूक नागर का कहना है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बीएसपी के विधायकों पर चोरी छिपे डाका डाला था। अब कांग्रेस बहन जी मायावती से माफी मांगे और उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाए। इंडिया गठबंधन में मायावती अगर आएंगी और मायावती को देश का दलित साथ देगा, तभी बीजेपी को इंडिया गठबंधन हरा पाएगा।
विपक्ष में कई जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन और कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बगैर बीएसपी के साथ मिले नहीं हराया जा सकता। दूसरी तरफ सुनने मारा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की 73 से 75 सीट आएंगी। जब ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो ये डांका डाल के ले गए प्रदेश में साथ विधायक हमारे, राजस्थान में चोरी करके ले गए, उत्तराखंड में झपट्टा मार के ले गए बेईमानी से, उसकी माफी मांगे और पूरे देश में 20-22% दलित वोट है जो आज भी हमारा 13.5% इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कर दें वो सारा का सारा एक साथ वोट आ जाएगा और गठबंधन का ये आरएलडी और जो इसका एसपी का 40% के आसपास वोट था और इसका 44 था बीजेपी का और 1.5% वोट कांग्रेस का था तो सारा मिल जाएंगे 13.5% 1.5% तो 54-55 पे बैठेंगे और जो दलित थोड़ा पूरा देश के जो पिछड़े और दलित थोड़े कम हुए थे वो सब पूरे चुपटेंगे आके नजदीक और एकदम 60% पे पहुंचेगा और बीजेपी का पूरे देश से एकदम सफाया हो जाएगा। यानी कि आज भी कांग्रेस के हाथ में, अगर ये मानते हैं तो कुमारी बहन मायावती से माफी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए और फिर एकदम चुनाव बढ़िया होगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े ऊपर कन्फ्यूजन है या मानसिकता खराब है, बीएसपी को कमजोर पिछड़े दलित कुचले अरे हटाओ, इसीलिए कई नेता कहते हैं अरे मायावती की बात छोड़ो, अभी ये सपा को कहते हैं मध्य प्रदेश में अरे छोड़ो अखिलेश पखिलेश, इनका पता नहीं कहां तक पहुंच गया और अभी भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। ऐसी मानसिकता रहेगी तो बिल्कुल वाकई जो बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस रहित करेंगे उधर को बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे।